मैं माता बहन पुत्री हूँ, मैं लेखक हूँ, कवयित्री हूँ, अपने अपने बल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ, मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। महिला देश की वह नींव है जिसकी मजबूती से गर्व का एहसास होता है, जिनका कोई नहीं होता है उनका सहारा एक माँ, बेटी या बहन जरूर बनती है। ऐसी ही एक बुलंद आवाज से मिलवाते हैं आपको अपने हौसलों से एक नई पहचान बनाने वाली रश्मि कुच्छल, जिन्होंने रेज आशा की किरण की शुरुआत की और उन बच्चों को अपनाया जिनको समाज ने अपनाने से मना कर दिया था। HIV पॉजिटिव बच्चे जिनकी माँ बनकर उनको सहारा दिया, गले लगाकर उन्हें प्यार किया। माँ की ममता और पिता का प्यार और समाज में अपने हक की लड़ाई लड़ना सिखाया और अब इन बच्चों को सक्षम बनाने के प्रयास में जुटी है रश्मि जी। महिला दिवस यानी कि विमेंस डे पर आज हम आपको लेकर आए हैं रेज यानी किरण, आशा की किरण। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं महिला दिवस पे ऐसी ही एक महिला से जिन्होंने समाज में आगे बढ़कर HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए एक खास एक पहल की है। ऐसे बच्चे जिनको लोग अपनाते नहीं हैं या उन्हें दूर कर देते हैं समाज से। महिला दिवस इसलिए विशेष है क्योंकि अब देखा जाए तो महिलाएँ काफ़ी आगे आने लगी हैं और बहुत अच्छा है कि महिलाएँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं चीज़ों में। हमारे टाइम में इतनी महिलाएं आगे नहीं आती थी। महिला दिवस इसलिए स्पेशल मानती हूँ मैं कि अब घर वालों ने और सब ने महिलाओं को प्रमोट करना शुरू कर दिया है और महिलाओं ने जगह जगह अच्छी अपनी पहचान बना ली है, तो मुझे इसलिए महिला दिवस की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि वो अच्छी पोजिशंस पर आ गई हैं। ये तो देखिए हर समय और हर उसमें ये रहेगा कि कोई कोई परिवार या कोई कोई ऐसा मिलेगा आपको जो आगे नहीं बढ़ने देगा क्योंकि उनके विचार पुराने हैं या उनकी विचारधाराएं ऐसी हैं कि उनको वो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, और हमें उनको एजुकेट तो करना चाहिए कि भई आप महिलाओं को आगे आने दें, पर बहुत कम प्रतिशत के लोग रह गए हैं जो ऐसे महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से सब जागृत होने लगी हैं, बच्चियाँ खूब अच्छा पढ़ने लग गई हैं, तो जब पढ़ जाती हैं बच्चियाँ तो अपने आप ही सशक्तिकरण की तरफ जाती हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये मेरा पूरा परिवार ही है और यहाँ पे जैसे मम्मी है, बड़ी माँ जैसे बोलते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे हमारी मम्मी है रियल में, बाकी ये हमारे भाई बहन है सारे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरी मम्मी का खाना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं और वो जब डांटती है तो और भी अच्छी लगती है, थोड़ा सा कभी कभी आता है। हमें लड़कों से पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें आगे रहना चाहिए। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। पहले के लोग मतलब पढ़े लिखे होते थे, उनकी फैमिली में अपन औरत को पीछे ही रखते थे, आजकल तो सारी औरतें लड़कों से भी आगे हैं। माता बहन पुत्री हूँ, मैं लेखक हूँ, कवयित्री हूँ, अपने अपने बल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ, मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ।